नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। इसराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिनों से चल रहा संघर्ष आखिरकार गुरुवार को सीज फायर पर जाकर शांत हुआ। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एकतरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। हमास के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। अधिकारी के मुताबिक यह सीज फायर शुक्रवार तड़के सुबह 2 बजे से प्रभावी होगा। दुनिया भर के नेताओं ने गुरुवार को इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की खबर का स्वागत किया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 11 दिनों से भी ज्यादा समय से तनाव की स्थिति चल रही थी, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच हजारों रॉकेट दागे गए। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से द्विपक्षीय बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मिस्र की पहल पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में कम से कम 217 फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए हैं। संघर्ष विराम की घोषणा पर नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि उनके सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इसराइल के सैन्य प्रमुख और अन्य उच्च सुरक्षा अधिकारियों की सिफारिशों के बाद मिस्र के संघर्ष विराम प्रस्ताव को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया है। बयान के मुताबिक ऑपरेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मिली है, जो बहुत अभूतपूर्व है। राजनीतिक नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि जमीनी हकीकत ऑपरेशन का भविष्य तय करेगी। इजरायली पीएम के दफ्तर द्वारा जारी किए गए इस बयान को हमास के लिए धमकी की तरह माना जा रहा है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने ट्विटर पर कहा है कि गाजा अभियान से अभूतपूर्व सैन्य लाभ हुआ है, जबकि हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी से कहा है कि इसराइल के युद्ध विराम की घोषणा फिलिस्तीनी लोगों की एक जीत है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार। हमास नेता अली बराके ने कहा है कि हमास के चरमपंथी तब तक सचेत रहेंगे जब तक कि मध्यस्थ इस संघर्ष विराम के विवरण को अंतिम रूप न दे दे। इससे पहले बुधवार को नेतन्याहू ने सैन्य मुख्यालय के दौरे के बाद कहा था कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के सहयोग की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन इजरायल के लोगों को शांति एवं सुरक्षा वापस दिलाने के लिए देश अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा है वह अभियान का मकसद पूरा होने तक उसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू के इस बयान से कुछ देर बाद से पहले ही बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अपील की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के अनुसार यह अमेरिका के किसी सहयोगी पर बाइडेन की तरफ से दबाव डाला गया था और अब तक का सबसे कठोर सार्वजनिक दबाव था। इससे कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में नेतन्याहू से संघर्ष विराम के रास्ते की तरफ बढ़ने को कहा है। इसराइल और हमास के बीच लड़ाई 11 दिन पहले शुरू हुई, जब उग्रवादी समूह ने यरूशलम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे। इससे पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इसराइली पुलिस के बीच झड़पों की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसके बाद इसराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायली शहरों में 4,000 से अधिक रॉकेट दागे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 64 बच्चे, 38 महिलाएं समेत कम से कम 227 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1620 लोग घायल हुए हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कम से कम 20 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही है, जबकि इसराइल का कहना है कि कम से कम 130 लड़ाके मारे गए हैं। करीब 58,000 फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इसराइल में 5 साल के लड़के, 16 साल की लड़की और एक सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।